Hello children, good morning. Welcome in today's class. It is 8 o'clock and it's your science period. You all are ready? Yes children, what we will do today? Today we will complete the lesson number 12, Air, Water and Weather. Short notes we have written, defined words we have written, many book exercises we have done. Today we will do some activity of the lesson and complete the question answers. Okay children? Let's do one by one. I'm going to share the some book pages where you will find in your book. It is on page number 118. Okay, let's see. Children, this is the activity. You all will do it. Hum sab milke isko karenge. What is this? To make a rain gauze. What is rain gauze, beta? It is an instrument you are going to make that tells you about how the rain is today. कि आज बारिश कितनी हुई, उसको जो आप मेजर करते हैं स्केल से, आप किसी चीज की हाइट नापते हो ना, किलोग्राम के वेट वाला जो होता है उससे आप किसी चीज का वेट मेजर करते हो. जस्ट लाइक दैट द अमाउंट ऑफ रेन वी मेजर विथ दिस इंस्ट्रूमेंट. लेट्स मेक, अब हम लोग अपना अपना ये वाला इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे. हाउ? अ रेन गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट टेल यू हाउ मच इट हैज रेन्ड, कि कितनी बारिश हुई है. नाउ इट इज, तो देयर इज नो रेन. यू विल डू जस्ट, यू लर्न इट एंड इन रेनी डेज यू विल मेजर इट. हाँ, यू कैन मेक इट विथ एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल. जो प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स वगैरह आती है ना, रिफाइंस वगैरह की जो ये बॉटल होती है, यू विल टेक 1 लीटर बॉटल. एक 1 लीटर की ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल लोगे. हाँ, आस्क एन एडल्ट टू कट ऑफ इट्स टॉप टू मेक इट्स माउथ वाइड. जो बॉटल होता है उसका ऊपरी सिरा तो बहुत छोटा होता है ना बेटा, उससे तो बहुत अमाउंट ऑफ रेन उसमें बहुत कम जाएंगे. देन विद द हेल्प ऑफ एल्डर, आप किसी बड़े के मदद से बोलना, वो नाइफ को गर्म करके बॉटल का ये अपर वाला एरिया विद द हेल्प ऑफ हॉट नाइफ, गर्म नाइफ के किससे कट कर देंगे. प्लास्टिक क्या होता है, इट इज, ये मेटल मेल्ट हो जाता है ना, गल जाता है ना जब कोई गर्म चीज उस पर आती है तो. और ये यू डोंट चूज योर सेल्फ, आप अपने आप ये मत करना. यू आर टू स्मॉल. सेफ्टी रूल्स पढ़ा है ना, यू मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स. यू शुड नॉट टच शार्प थिंग्स. यू टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स एंड यू डू इट. आप इसको करोगे, आप ऐसे इसका यू कट इट द टॉप ऑफ द बॉटल. और व्हाई वी हैव डन दिस, टू मेक द माउथ वाइड. इसका ये वाला जो मुंह है ये एरिया चौड़ा हो जाए और ज्यादा रेन ड्रॉप्स इसमें गिरे. With the help of permanent marker, और एक permanent marker लेकर के and a scale, mark the level on the outside of the bottle. और इसके यहाँ पे आप देखो ऐसे marker करके ये scale के help से आप यहाँ पे 2 centimeter, 5 centimeter, 10 centimeter, 0, 5, 10, 15 ऐसे centimeter का mark निशान बना लोगे. And check the rainwater level when it stops raining. और आप इसको घड़ी देख के 5 minutes के लिए बाहर रखोगे. हाँ, मान लो सपोज 5 मिनट्स के लिए आपने रखा वहां पे, देन यू विल फाइंड कि आज कितना बारिश हुआ. यू कैन फाइंड आउट, जितनी बारिश होगी वो इसमें फिल हो जाएगी ना. नेक्स्ट डे आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो कि रेन आज कितनी हुई. हाउ? बाय मेकिंग दिस रेन गॉज. दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट. हमारे साइंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ. और हम तो बहुत सिंपल वन आपको बनाना बता रहे हैं ना. And children, that is the another activity. This too you can do from today also. Prepare a weather chart for a week as shown below. आपको एक weather chart बनाना है. आप ऐसा करके scale से draw करके अपने diary में बना सकते हो. Your scrapbook you can make. कहीं भी आपके rough में आप इसको कर सकते हो. अपने ऐसे करके एक rectangle draw किया, उसको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लाइंस में पार्ट में डिवाइड कर दिया. इधर क्या लिखा, डेज ऑफ द वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लिखा. और यहाँ पे डे बना दिया सनी. क्या डेज कैसा कैसा, वेदर कैसा कैसा हो सकता है, सनी हो सकता है. सन बना दो तो तुम्हें पता चलेगा कि सनी है. क्लाउडी हो सकता है, रेनी, रेन में से क्लाउड निकाल दो, क्लाउड में से ऐसे ऐसे रेन ड्रॉप्स आने लगेंगी. विंडी, यहाँ पे हवा. आप यहाँ पे ट्री को ऐसे झुका हुआ भी बना सकते हो कि इट इज विंडी. एंड आप टिक मार्क करोगे कि मंडे को वेदर कैसा है. यदि हॉट सन है तो आप सनी में टिक करोगे, यदि क्लाउडी है तो आप यहाँ क्लाउडी में टिक करोगे. ठीक है,
ट्यूसडे को वेदर कैसा है, सपोज ट्यूसडे को बारिश होने लगी तो आप यहाँ पे टिक बना दोगे। सपोज बहुत तेज हवा चल रही है, देन यू विल मंडे। ऐसा करके यू विल मेक अ चार्ट ऑफ वन वीक। आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसको बनाने का क्या मतलब है? व्हाट यू विल फाइंड, यू विल फाइंड कि वेदर क्या है, इट्स कीप ऑन चेंजिंग। ये समय समय पे बदलता रहता है, एट डिफरेंट टाइम्स इट चेंजेस। और क्यों चेंज होता है? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ड्यू टू द क्लाउड। ये चीजें जो है वेदर एयर वाटर की चेंज की वजह से चेंज होता रहता है। ओके, you all will do this weather chart, and this are some important talk about save water. beta earth water is very very important to us, huh? water jo hai bahut important hai na hum sab ke liye. can we live without water? no, we need water for cooking, bathing, and for different means we need water. so it is very necessary to save the water. वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, वी मस्ट सेव वाटर। आप देखते हो कई कई जगह पे, जहाँ पे राजस्थान, गुजरात, कहीं पे बहुत ज्यादा ड्रॉट हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है, और वहाँ का लेडी, वहाँ पे जो लेडीज जेंट्स होते हैं, वो वाटर बॉडीज बहुत दूर में, बहुत वाटर लेवल अंडरग्राउंड वाटर बहुत डाउन हो जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से वाटर का सप्लाई टैंकर से भिजवाया जाता है। और कोई नेचुरल रिसोर्स बहुत दूर में होता है, वो अपने सिर पे इतने बड़े बड़े घड़े रख के और वहां से वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अपने यहाँ लेकर के आते हैं, वाटर का कमी होता है। सो वी मस्ट सेव वाटर। वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स। अगर वाटर नहीं होगा तो हम प्लांट में वाटर नहीं डालेंगे तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो देन हाउ यू विल गेट द क्रॉप्स, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमको कहाँ से मिलेंगे? फिर हमें फूड की कमी हो जाएगी तो हम हाउ ह्यूमन और एनिमल लाइफ को सर्वाइव करने की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इट्स बेटर टू सेव वाटर। In this PDF, in the book, it is ask you that what you should do. आपको क्या करना चाहिए? You have to tick mark. Write yes and for the things you should do to save water. Water को save करने के लिए आप क्या करोगे? जो ये these are the four activities जिसमें आप करोगे उसमें yes लिखोगे. Do not let the bucket overflow when you bath. जब आप नहाने के लिए bathroom में जाते हो देन आपका यदि बकेट भर गया तो क्या पानी को गिरने दोगे, ओवरफ्लो होने दोगे? नो, हियर यू विल राइट यस, वी विल नॉट लेट द वॉटर बकेट ओवरफ्लो। क्लीन द फ्लोर एंड कार विद द लेफ्ट ओवर वॉटर फ्रॉम वॉशिंग क्लोथ्स। आप कपड़ा धोने के बाद जो पानी गिरता है उसको यूज कर सकते हो ना अपने फ्लोर को साफ करने के लिए। यस, सेव वॉटर के लिए ये सब है। Water the plants with the leftover water from the washing vegetable and fruits. जब साग वगैरह धोते हैं, फ्रूट्स धोते हैं तो बहुत सारा पानी बचता है, तो क्या उस पानी को आप ऐसे ही फेंक दोगे बेसिन में? नो, यू कैन यूज दैट leftover water इन द washing, वॉटरिंग द प्लांट। प्लांट में आप वो पानी डाल दोगे। कीप द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग द टीथ। जब ब्रश तो आप काफी देर तक करते हो, 3-4 मिनट्स तक करते हो, तो क्या क्या बेसिन का टैप आप ओपन रखोगे? No, you will keep it off. आप इसको बंद कर दोगे ना? To save water, these things you will do to save water. You will like yes, yes, yes. In the last, keep the no. हाँ, पहले तीनों में yes, last वाले में you will write the no लिखोगे। Okay, children. Now we will do the question answer and one activity is one exercise is left. That is on page number 117. Put a tick against the picture that are related to water cycle. जो water cycle से related है। क्या tree का कोई role है water cycle में? No. Sun? Yes. You will. You all make tick. So page number 117 खोलो. Open page number 117. And with the help of pencil, you make a tick on sun. यहाँ पे क्या tick करेंगे? Sun को. Yes. सन से ही तो इवेपोरेशन होता है। जब हीट को, सन एयर को गर्म करता है तो हॉट एयर जो है वो वाटर को गर्म करके किस में बदल देती है? वाटर वेपर में, और इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वाटर साइकिल में। सन का रोल है, यस, यू विल टेक ऑन सन। मून का कोई रोल है? नो। रेन ड्रॉप्स, यस, वाटर साइकिल में तो रेन ड्रॉप्स बनती ही है, देन यू विल टेक ऑन द रेन ड्रॉप्स। सन पे टिक किया, देन रेन ड्रॉप्स एंड क्लाउड,
यस, क्लाउड का भी तो फॉर्मेशन होता ही है. यू विल मेक वाटर साइकिल में तो तभी तो वाटर क्लाउड से निकल के जमीन पे आता है, लैंड पे आता है. देन यू विल टिक मार्क ऑन लैंड ऑल्सो, दिस क्लाउड ऑल्सो. सन, कौन सी थ्री थिंग्स को आपको टिक करना है? सन, वॉटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड्स. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट द वॉटर साइकिल. आप सबको वॉटर साइकिल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया है एंड यू ऑल विल बी एबल टू डू दिस. चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू डू द नोटबुक वर्क. अब हम लोग क्या करेंगे? We will do the notebook work. चिल्ड्रन, I will share the answers. मैं आपको answers share करूंगी from there, or it I will share on the Edonex app in the PDF form, from where you will write these answers. So answer these questions. There are three long questions and two think and answer. We will complete that today. I am going to share. You all will do it, and from the new page of the notebook, you will write the heading. Write these questions. In the previous class, we have done write short notes. हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स, ह्यूमिड वाटर, मॉनसून, इन सब पे शॉर्ट नोट्स लिखा था. टुडे वी विल डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. आई एम गोइंग टू शेयर दिस, फ्रॉम देयर यू विल रीड. आप वहां पे रीड करोगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, क्वेश्चन नंबर वन, यू विल राइट दिस हेडिंग, देन यू विल राइट क्वेश्चन नंबर वन. एक्सप्लेन How the water cycles occurs in nature. आप सब समझते हो, you all understood how you will write it. आप इसको कैसे लिखोगे? मैं अभी आपको बता रही हूँ. Yes, this is the answer. This is the answer number one. What is question? Explain how water cycles occurs in nature. Water cycle कैसे होता है? The sun heats up the water in the lakes, रिवर्स एंड ओशियन. की पानी को कौन गर्म करता है? सन करता है. दिस वाटर इवेपोरेट्स एज वाटर वेपर. ये वाटर इवेपोरेट हो जाती है वाटर वेपर के फॉर्म में. प्लांट्स ऑल्सो गिव आउट वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स. लीव से भी निकलता है. दिस वाटर वेपर राइजेज अप इन द एयर. द वाटर वेपर कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड एयर एंड कंडेंसेस. कोल्ड एयर के टच में आता है और कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. किस में बदल जाता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में बदल जाता है. दीज ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स. ये मिलके क्या बनाती है? बड़ी ड्रॉप्स बनाती है. द बिग ड्रॉप्स फ्रॉम क्लाउड्स फॉर्म क्लाउड्स. ये बड़े बड़े ड्रॉप्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं? क्लाउड्स. व्हेन द क्लाउड्स कूल फर्दर दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम हेवी and fall back on the earth as rain. This rainwater flows back into the lake, rivers and ocean. जहां से evaporation हुआ था वहीं पे water वापस चला जाता है. Thus the water of the ocean lakes keep on moving in a cycle. This is known as water cycle. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम water cycle कहते हैं. You all will write this question. Children, okay? Those who have not made the diagram there, they can make the diagram of water cycle here also. Ek jagah banana hai, in the front of defined, or here also you can make. My second question is, how do the sun and wind affect the weather? Sun or wind weather ko kaise affect karte hain? Let's see. Chalo jara dekhi answer to. Effect of the sun of weather during the day, the air and land gets heat faster, heat from the sun. These makes the weather during the day warm. उसकी वजह से weather warm हो जाता है. At night there is no sun, so the land and air gets cool. Thus the weather is cool during night. Effect of wind on weather. ये तो हमने देख लिया sun का effect. अब हम जरा wind का effect देखें क्या होता है. The heat of the sun causes the wind to blow. The sun heats up the air. Warm air is lighter, it rises up to feel the air, the cool air rushes in. इस तरीके से विंड का फॉर्मेशन होता है, विंड ब्लो करती है. ओके चिल्ड्रन, दिस इज द आंसर नंबर टू. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज सीजन? डिस्क्राइब द थ्री मेन सीजन्स इन इंडिया. दिस इज द क्वेश्चन नंबर थ्री. यू विल राइट क्वेश्चन नंबर थ्री. आफ्टर दैट यू विल राइट answer number 3. Here is answer number 3. When the
same time of weather continues for a few months, we call it season. जब ये कई महीनों तक रह जाता है तो हम उसको season कहते हैं. And in India, the three main seasons are, India में हमारे भी तीन seasons, main seasons क्या है? Summer, monsoon and winter. In summer, the weather is mostly hot. अब ये कब से कब तक होता है? It lasts between April to June. Monsoon season lasts from July to September. And it rains on most of the days and farmers grow crop in this season. And in winter, the weather is mostly cold. And it lasts from December to March. में ये पड़ता है. Okay? Now we have done the long question, these question answer. Children, from the next page, you will start write this question. Think and answer. What do you think would happen if there was no water cycle in nature? यदि water cycle, nature में water cycle नहीं होती तो क्या होता? देखो ये answer है. Water cycle helps to bring about rainfall or refill, मतलब फिर से भरना our lakes, pond and rivers. It helps convert salty sea water into fresh water fit for us. We would not have enough water to use if there was no water cycle in the nature. Children, यदि nature में water cycle नहीं होता तो क्या हमको जो एक बार जो पानी evaporate होके चला गया तो water हम वापस हमारे जो wells है rivers है वो भर पाते ही नहीं. वो तो वाटर साइकिल होने की वजह से फिर से आते हैं ना. और जो और क्या होता है कि वो सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में बदलता है. जो समुद्र के किनारे हम लोग सॉल्ट नमक खाते हैं वो समुद्र के किनारे कैसे बनता है बेटा? उसको एवेपोरेशन के प्रोसेस से होता है. पानी को आर्टिफिशियली एक बड़े बड़े एरिया में उसका हमने पढ़ा था ना कि जब वाटर का सरफेस एक्सपोज ज्यादा होता है तो एवेपोरेशन रेट ऑफ एवेपोरेशन फास्ट होता है. तो बड़े बड़े टैंक्स में वाटर को एरियाज में वाटर को स्प्रेड कर दिया जाता है और वो इवेपोरेट जल्दी हो जाता है. सन समुद्र के किनारे तो तेज सन होता है तो वो और जो नीचे वो क्या छोड़ जाता है? सॉल्ट नमक छोड़ जाता है. और उसी नमक को हम कलेक्ट करके उसको रिफिल करके रिफाइन करके साफ करके हम उसको नमक के फॉर्म में खाते हैं. और अगेन बारिश कैसी होती है? फ्रेश वाटर की होती है. इस तरीके से वाटर साइकिल जो है वो सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में भी बदल देता है और जो सॉल्ट मिलता है नमक उसको हम अपने खाने में यूज करते हैं. Come to the next question. Why are cloudy days in summer cooler than the sunny days? पूछ रहा है कि cloudy days जो cooler होता है in comparison to the sunny days. Yeah, we all know the answer. Clouds block sunlight. जब atmosphere में बेटा cloud आ जाता है तो sunlight को block कर देता है ना. Sunlight का sun हमको दिखता है? नहीं दिखता है. So the land and air do not get heated as much as in the clear days. जब सन की रेस कम आती है तो लैंड और एयर क्या होगा? वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगा. गर्म किसकी वजह से होता है? हीटेड किसकी वजह से होता था? सनलाइट की वजह से. और जब क्लाउड हो गया सनलाइट वो छुप गया सन तो हमको गर्म होगा ही नहीं. Thus cloudy days are cooler. इसलिए क्लाउडी डेज ठंडे होते हैं. क्यों ठंडे होते हैं? क्योंकि सन का हीट हमारे यहाँ नहीं पहुंचता है. देन द सनी डेज. सनी डेज क्यों हॉट होते हैं? बिकॉज वहां पर हमारा सनी डेज में जो है सन बहुत हाई होता है. सन रेज बहुत गर्म सन की गर्म रेज हमारे यहाँ ज्यादा पहुंचती है ऑन द अर्थ. सो आवर अर्थ पे लैंड और वाटर क्या होता है? वो जल्दी गर्म हो जाता है एंड वी फील हॉट. बट ऑन क्लाउडी डे वी फील, हम लोग कैसा फील करते हैं? हम लोग कोल्ड फील करते हैं ना. चलो एक चीज और बात है कि आप देखते हो कि आप जब क्लाउडी डेज होता है तो आप ज्यादा ह्यूमिड होता है जब आप क्यों गर्म हो? क्योंकि वाटर एयर में क्या होता है? वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ एयर वाटर बहुत ज्यादा होता है तो हमारे बॉडी से जो हीट निकलती है वो वापस बाहर ज्यादा नहीं निकल पाती है. देन वी स्टार्ट स्वेटिंग. तो हमको स्वेटिंग होने लगती है ना. इसीलिए हम लोग ह्यूमिड डेज में समुद्र के किनारे जहाँ जाते हो जहाँ ह्यूमिड होता है बहुत ज्यादा वाटर वेपर होता है वी स्टार्ट स्वेटिंग. क्यों? क्योंकि एयर में क्या भरा होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स भरा होता है जो कि एवेपोरेट होके एयर को ऊपर जाने में बाधक बनता है, नहीं जाने देता है, रोकता है. चिल्ड्रन टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस ना. हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया. ओके चिल्ड्रन. And we have done, you have drawn the picture of water cycle भी बना लिया.
एंड द सीजंस का भी चेंज हमने देख लिया, सीजन का चेंज देखा ना किसकी किसकी वजह से होता है. वी हैव डन द बुक एक्सरसाइजेस एंड वी हैव डन द एक्टिविटी टू मेक द रेन गॉज एंड डिफरेंट अदर आपने आपको दिखाया था एंड द क्वेश्चन आंसर वी हैव डन ऑल्सो. And I will share these answers in the PDF form on the Edonex app. From there, you will complete the lesson and share me in your WhatsApp group. Okay, children, you all will complete this. On any day, a surprise test of this lesson I can take. I can give you some worksheets to fill. And I will ask in your, when I will take the Zoom classes, I will ask the question answer related to this topic and show you some interesting videos on that also. Okay, children, meet you soon in the next class. You all will complete the work. Today's work and the day, a day before, whatever written work we have done, I have given to you, you all will complete that. Okay, children, meet you soon in the next class. Bye-bye, dear.